एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। हमारा पता है शॉप नंबर 1 एमआई स्टोर चांदपुर रोड सूरत श्री पैलेस के बाजू में रहली मध्य प्रदेश। शॉप नंबर 2 रिधिमा मोबाइल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स मेन बस स्टैंड रहली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78 39 22। किसी ने क्या खूब कहा है कि अब तो स्याही भी नहीं सूख पाती है अखबार की। इतने में दूसरी खबर आ जाती है बलात्कार की। जी हाँ, वो एक पिता था, लेकिन वह पिता एक हवस का हैवान बन गया। हैवान पिता ने अपनी 17 साल की बेटी के साथ लगातार 2 साल तक दरिंदगी करता रहा और अपनी बेटी को एक बाप ने अपना ही शिकार बना लिया। जी हाँ, खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के कैंट थाना क्षेत्र से जुड़ी है, जहां पर एक पिता द्वारा अपनी बेटी से ही दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला एक 40 साल का पिता अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी 2 साल तक बेटी को डरा धमका कर उस पर दबाव बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। लेकिन जब पिता की हरकतों से यह बेटी परेशान हो गई तो फिर उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैंट थाने पहुंचकर पिता पर केस दर्ज कराया है। अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जब बेटियां घर के ही इंसान रूपी भेड़ियों से सुरक्षित नहीं है, तो क्या सरकार, क्या पुलिस प्रशासन, क्या समाज, क्या लोग, क्या हम और क्या आप, सब बेकार है। अनिल वर्मा, खबर एक्सप्रेस न्यूज। आज एक रेप का प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि नाबालिग का जो पिता है वो आरोपी है। प्रकरण कायम करते हुए और आरोपी को अपने निरीक्षण पुलिस द्वारा ले गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें अग्रिम घोषणा की जा रही है। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।